हेलो दोस्त, आज इंतज़ार था कि लेवल 5, 3 और 2 RRB NTPC का शेड्यूल कुछ डिक्लेयर हो। जैसा कि बताया जा रहा था कि रेलवे में एक न्यूज गई है कि एग्ज़ाम स्पेशल ट्रेन पे काफ़ी लोड पड़ जाता है, इसलिए एग्ज़ाम सिटी थोड़ा सा पहले दे दिया जाए। हालांकि लग रहा है, जैसे जैसे आप जानते ही है कि 12 तारीख को इन्होंने शेड्यूल दिया है, जिसको वेबसाइट पे हम देखेंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा नोटिस में इन्होंने एग्ज़ाम का तो शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया है कि 12 तारीख से होगा, लेकिन किस पोस्ट का कब होगा ये नहीं पता है। एग्ज़ाम सिटी कब आएगी तो वो तो 10 दिन वाला तो सबको पता है कि 10 दिन पहले आता है, लेकिन 10 दिन पहले टिकट मिलेगा या स्पेशल ट्रेन मिलेगा ये भी एक इशू है। कितनी स्पेशल ट्रेन चलेगी और कैसे एडजस्ट होगा। और इसका एक और बहुत बड़ी कारण है कि आपने लेवल 4 में देखा था, लेवल 4 में 60% अटेंडेंस पहुंच गई थी और लेवल 6 में केवल 74% के आसपास अटेंडेंस थी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू यहाँ भी है और कई सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं ये मान सकते हैं, लेकिन एक ट्रेन भी था एग्ज़ाम सिटी दूर का। तो इस बार RRB एग्ज़ाम हो रहा है, RRB वाइज एग्ज़ाम हो रहा है, एक RRB का एक ही क्वेश्चन पेपर हो रहा है, तो सेंटर दूर दूर हो रहे हैं और ये आगे भी होगा, ये तो क्लियर है। तो अब क्या कल शेड्यूल आ सकता है? तो बहुत चांस है कि कल शनिवार है और हो सकता है कल शेड्यूल आ जाए। अगर शनिवार को नहीं आया तो मंडे तो कन्फर्म है, लेकिन अब ये यहाँ पे क्लियर होता है कि लेवल 5, 3, 2 का क्या होगा। हो सकता है एग्ज़ाम सिटी का थोड़ा रिलैक्स किया जाए, लेकिन अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आता हमें बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन बनी है कि एग्ज़ाम सिटी को थोड़ा सा पहले दे दिया जाए, तो 12 तारीख को पेपर है तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ न्यूज़ आए, लेकिन अभी ये अंदाज़ा है मेरा, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे अगर लेवल 2 और 3 और 5 का देखेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें से जिसमें आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट है, जैसे लेवल 5 में और लेवल 2 में, इन दोनों में से कोई एक पहले होगा और ज़्यादा चांस है कि लेवल 5 का पहले हो जाए। और लेवल 2 में बहुत सारा कैंडिडेट है, इसलिए लेवल 5 का पहले होगा ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन फिर भी ऑफिशियल का हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन 99% चांस यही है लेवल 5 का ही पहले होगा, 3 का तो होगा नहीं, 3 मिडिल में पड़ता है, ना इसमें टाइपिंग टेस्ट है ना कुछ है। लेवल 2 में एक डिमेरिट ये बन रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और लेवल 6 से अगर करेंगे तो कैंडिडेटों की संख्या थोड़ी सी इसमें ऊपर नीचे के मुकाबले कम है, क्योंकि ग्रेजुएट पोस्ट वाला यहाँ पे है। स्पेशल ट्रेन तो चलाना ही पड़ेगा, हमें भी लगता है, क्योंकि लेवल 6 में जब कम कैंडिडेट थे तो ट्रेन चली थी, अब यहाँ पे कैंडिडेटों की संख्या बढ़ेगी और एग्ज़ाम भी पोस्ट भी ठीक ठाक है और एग्ज़ाम का भी एरिया बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट 20 गुना से ज़्यादा यहाँ पे है, तो इसलिए स्पेशल ट्रेन तो चलेगी ही। टिकट का इशू है तो एग्ज़ाम सिटी का होगा और कल शेड्यूल या मंडे को शेड्यूल आ सकता है, ये मेरा एक्सपेक्टेड है। तो चलिए जैसे ही डिटेल आएगा मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि लेवल 5 का क्वेश्चन वाला बताइएगा, तो देखिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया था आपके लिए, तो NTPC के लिए आप यहाँ पे हमने सिर्फ 2 वाला पेपर डाल दिया था लेवल 6 के लिए, और लेवल 4 वाला में 30 क्वेश्चन डाल पाए हैं अभी और अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रेलवे के हिसाब से तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक आपका डाल दिया है, एक आपका NTPC CBT 1 का 2 शिफ्ट का डाला था, एक ग्रुप डी का डाला, प्लस में आपका अभी CBT 2 का भी एक क्वेश्चन कर रहा हूँ पूरा, इसको एक कंप्लीट हो गया, दूसरा को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मिल जाएगा आपको डिटेल, लेकिन लोगों का सवाल है कि क्या वैसे ही पेपर आएगा, तो देखिए पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन हो सकता है अटेम्प्ट के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा किया जाए, लेवल कम है तो कुछ और सुधार हो, लेकिन प्रश्न CBT 2 में 2015 में भी ऐसे ही आए थे ग्रेजुएट का, जिसमें प्रश्न को थोड़ा सा टाइम लिया था। तो देखिए हमारा हमेशा प्रैक्टिस रहता है कि कोई भी एग्ज़ाम देने जाए आपको प्रश्न कर रहे हैं, अगर आप 60 से 70% में आ रहे हैं तो थोड़ा आप सही जगह पे जा रहे हैं, इसको करना है पहले टारगेट 60 से 70% आपको कर देना है, उसी को प्रैक्टिस कीजिए, और इससे ज़्यादा जितना हो जाए वो आपका बेनिफिट है, लेकिन ज़्यादा करने के चक्कर में नेगेटिव नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव तो किसी हालत में जानबूझ के नहीं होनी चाहिए, देखिए ह्यूमन एरर है, वो गलतियाँ होगी, लेकिन जान के हमें नेगेटिव पे नहीं जाना है कि मेरा स्कोर कम हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।